सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब हम सत्रहवीं लोकसभा के 11वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बेड के, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31-1-2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया, सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अभिलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा की विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित कई वक्त किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं।